नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर आज बड़ा दिन है। आज सभी पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी अपनी बात रखेंगे। 10:30 बजे जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत भी 12 बजे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह भी आरोपों पर 12 बजे अपनी बात रखेंगे। यानी कि सब अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो आज काफी महत्वपूर्ण ये दिन है। सभी पक्ष अपनी बात रखेंगे। 10:30 बजे जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12 बजे कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात रखेंगी। बृजभूषण शरण सिंह भी दोपहर को 12 बजे इन सभी आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। सभी पक्ष देखिए अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे। आज लगातार प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर और खिलाड़ी मांग कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर। और इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह पहले भी ये कह चुके हैं कि सारे आरोप गलत हैं, ये सिरे से खारिज कर चुके हैं इन आरोपों को। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखिए, तीन बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये बातें आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे पहले देखिए खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर देखिए दोपहर को 12 बजे कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 12 बजे ही बृजभूषण शरण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए तीन बड़ी तस्वीरें ये खिलाड़ियों के दंगल से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह भी दोपहर को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखिए सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। क्या आखिर सबके जहन में है, क्या आरोप हैं और इन आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह क्या सोचते हैं, कांग्रेस इस पर किस तरीके से देखिए अटैक करती है, ये भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखेंगे। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो सकता है, ये बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। सभी आरोपों पर दोपहर को आज 12 बजे सफाई देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले देखिए कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नवाबगंज में मामले की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। इसी के साथ ही देखिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट है। यौन शोषण के मामले में भी सफाई देते हुए बृजभूषण शरण सिंह आज नजर आने वाले हैं। मामले की जांच की मांग भी कर सकते हैं। अगर कोई साजिश है तो फिर किसी बड़ी हस्ती का नाम भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ले सकते हैं। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील कर सकते हैं। विवाद अब क्यों हो रहा है इस पर भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बृजभूषण शरण सिंह से सुना है, वो कह रहे थे कि 10 साल तक ये लोग क्यों नहीं बोले, एक हफ्ते पहले तक मैं सबके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया। तो यानी कि ये विवाद अब क्यों हो रहा है, टाइमिंग को लेकर बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात रख सकते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को 12 बजे करेंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है वो देखिए हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आंदोलन के अखाड़े में है पहलवान, लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। बड़े आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे हैं। मुलाकात से भी लेकिन कोई नतीजा नहीं दिखला। देखिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, अनुराग ठाकुर से 4 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इस बैठक के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। जानकारी मिल रही है कि आज फिर से एक बैठक हो सकती है। जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शन जारी है, 3रा दिन है प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वहीं पर बैठे हुए पहलवान मांग कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर। अब देखिए बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। जब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी तो क्या होगा उनका, और कुश्ती पर सियासी दंगल आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, हम लगातार देख रहे हैं बीते 2 दिन से ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और आज सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है, क्या महत्वपूर्ण अपडेट आप दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अविनाश? जी देखिए पूजा, एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जंतर मंतर की। ये वही मंच है जहाँ पे पहलवान पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। 10:30 बजे का वक्त उन्होंने दिया था कि जब आकर वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और यहाँ पे आकर के अगर बात करें तो अपनी बात रखते, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमाम सारे खिलाड़ियों को अपने घर पर बुला लिया है। तो 10:30 बजे अब सारे खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर जा रहे हैं, 22 अकबर रोड, जहाँ पे खेल मंत्री के साथ मुलाकात होगी और फिर से एक बार बातचीत की कोशिश होगी, खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश होगी। क्योंकि कल देर रात जो बैठक चली उसमें अगर बात करें तो खिलाड़ियों की सारी बात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुनी थी और उनसे साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने फेडरेशन को नोटिस जारी किया है, एक बार जवाब आने दीजिए, उसके बाद तमाम तरीके से आगे केंद्र सरकार बढ़ेगी और जो कार्यवाही के योग्य होगा उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर के लगातार अडिग है कि फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस्तीफा हो और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्य कोच का इस्तीफा और फेडरेशन के जो तमाम तरह नियम है उसमें थोड़ा संशोधन हो, इसको लेकर के अगर बात करें तो कल बातचीत में मान मनोवल पे नहीं हो पाई थी, लेकिन आज
से एक बार खेल मंत्री ने बुला लिया है बातचीत के लिए। एक बार खिलाड़ी 10:30 बजे बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद फिर निकल कर आकर खिलाड़ी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताएंगे कि खेल मंत्री के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, क्या वो अब धरना समाप्त करेंगे या आगे भी धरना जारी रखेंगे। क्या अविनाशी तमाम सवाल सभी के जहन में है, सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं धरना जारी रहेगा या फिर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लगातार हम आपसे ले रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें कि खिलाड़ी आज फिर से एक बार खेल मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात के बाद खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल भी खेल मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी और देखिए हालांकि बैठक में कुछ नहीं हुआ, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की इस मुलाकात के बाद, लेकिन आज फिर से जब ये मुलाकात होगी तो उसके बाद खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर वो अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं या फिर ये प्रदर्शन यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद यह तय होगा। आज काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खिलाड़ी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद होगी। अविनाश हालांकि कल हमने देखा 4 घंटे तक बैठक चली, नतीजा कोई निकला नहीं, आज फिर से एक बार जब बैठक होगी तो क्या ये माना जाए कि जब तक खिलाड़ी इस बात को लेकर अड़िग नजर आ रहे हैं कि क्या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, क्या तस्वीर आज की बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए अगर बात करें तो कल तक की जो तस्वीर है उसमें खिलाड़ियों ने खेल मंत्री की बात नहीं मानी, इसके साथ साथ खेल सचिव की भी बात नहीं मानी। आज फिर से एक बार बातचीत की कोशिश होगी क्योंकि खेल मंत्री ने कल सारा अपडेट लिया है। खेल मंत्री दिल्ली में थे नहीं, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, लेकिन जब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने अपने तमाम तरह हिमाचल प्रदेश के दौरों को स्थगित करके दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आते उन्होंने सबसे पहले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और खिलाड़ियों की तमाम तरह परेशानियों को सुना, तमाम तरह जो बातें लोग लगातार पिछले 2 दिनों से कह रहे थे उसको सुना। इसके बाद अगर बातचीत बात करें तो खेल मंत्रालय की तरफ से और खेल मंत्री की तरफ से जिस तरीके से आश्वासन मिला तो उसके बाद भी खिलाड़ी संतुष्ट नजर नहीं आए और आज एक बार फिर से सुबह खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने अपने घर पे बुलाया, आवास पे बुलाया और फिर से एक बार बातचीत होगी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम तय लोगों का नाम वो एक्सपोज करेंगे जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं और एक्सपोज करके बताएंगे कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें अगर बात करें तो पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, इसके अलावा अगर बात करें तो कृष्णा पुनिया मौजूद रहेंगी और खुद जो है कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया मौजूद रहेंगे तो वो भी अपनी ओर से तमाम तरह बातचीत रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो खिलाड़ी भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद जंतर मंतर पे इसी स्थान पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि क्या आगे वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे या थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूंकि तस्वीर साफ होगी, अविनाश धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने। देखिए खबर है जहां कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, अमीन सर्वे कराने के मामले में आज सुनवाई होगी, मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई करेगी। और देखिए जमीन विवाद को लेकर हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण का आदेश दिया था लेकिन मस्जिद पक्ष ने अमीन सर्वे रोकने की अपील की थी। 2 जनवरी को मस्जिद पक्ष ने याचिका दायर की थी और आज इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। अमीन सर्वे कराने के मामले में मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई और जमीन से जुड़ा यह विवाद जिसको लेकर हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण का आदेश दिया था लेकिन मस्जिद पक्ष ने अमीन सर्वे रोकने की अपील की थी। अब ऐसे में अमीन सर्वे होगा या फिर रुका रहेगा ये एक बड़ा सवाल है। 2 जनवरी को मस्जिद पक्ष ने याचिका दायर की थी लेकिन आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट है, देखिए ये अमीन सर्वे कराने के मामले से जुड़ा जहां आपको हम ये बता रहे हैं कि जमीन को लेकर ये विवाद हुआ था जिसमें हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने में सुनवाई आज होगी और हिंदू सेना की याचिका में अमीन निरीक्षण कराने का आदेश दिया था और मस्जिद पक्ष ने अमीन सर्वे को रुकवाने की अपील की थी। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई है। एमएलसी स्नातक शिक्षक खंड चुनाव के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का दौरा जारी है, कानपुर देहात में ही आज सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रहेंगे, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो रणनीति बनाएंगे। सपा के लिए विधान परिषद चुनाव में 1 सीट जीतना जरूरी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का दौरा जारी है, आज कानपुर देहात में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कानपुर देहात में दौरे पर रहेंगे, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो आगे की रणनीति बनाएंगे। और देखिए सपा के लिए विधान परिषद चुनाव में 1 सीट जीतना जरूरी है और इसी को लेकर रणनीति बनेगी, कैसे ये जीत हासिल की जाए। विधान परिषद की 1 सीट पर जीत जरूरी, कैसे लेकिन ये जीत हासिल की जाए इसको लेकर सपा पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उनका दौरा चल रहा है, आज कानपुर देहात में ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रहने वाले हैं, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, रणनीति बनाएंगे।
और देखिए परिषद के लिए किस तरीके से रण तैयार है पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष का अलग अलग जिलों में दौरा होगा, 10 जिले ऐसे जिसमें नरेश उत्तम पटेल दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी वो रणनीति बना रहे हैं, पुराने नेताओं को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ ही राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, रामप्रसाद चौधरी जैसे नेता इसमें शामिल हैं। 5 में से 1 सीट पर भी जीत मिलने से सपा को काफी फायदा होगा, यानी कि 1 सीट पर जीतना सपा के लिए बहुत जरूरी है। 1 सीट भी अगर जीते तो विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी इन्हें वापस मिल जाएगी, और इसीलिए 1 सीट जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सीट जीते तभी विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी जो पहले इनके पास थी वो इनको वापस मिलेगी। 1 सीट के लिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही है। तो ऐसे में देखिए आज नरेश उत्तम पटेल दौरे पर हैं और रणनीति बनाते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, रणनीति बनाएंगे कैसे ये जीत हासिल हो इसी को लेकर चर्चा होगी। 5 सीटों पर स्नातक खंड MLC चुनाव होने हैं, लेकिन इन 5 में से 1 पर भी अगर सपा को जीत मिल गई तो सपा के लिए काफी अच्छा ये रहेगा। आने वाले चुनावों के मद्देनजर चुनाव को लेकर ही कार्यकर्ताओं के साथ आज ये बातचीत होगी, मुलाकात होगी नरेश उत्तम पटेल की, और चुनाव को लेकर रणनीति बनाते नजर आएंगे। खबर है बुलंदशहर से, मामूली सी बात पर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान हवा में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में तमंचा और लाठी डंडे लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर की कोतवाली औरंगाबाद क्षेत्र का यह वीडियो है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर केस दर्ज कर लिया, आरोपियों की तलाश जारी है। हवा में तमंचा लहराने का यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये युवक सर रहा हवा में तमंचा लहराते नजर आ रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं, बुलंदशहर की कोतवाली औरंगाबाद क्षेत्र की ये वीडियो बताई जा रही है, जहां पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, आरोपियों की तलाश जारी है। मामूली सी बात थी और दो पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान ही हवा में तमंचा लहराते हुए देखिए ये कुछ युवक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लाठी और तमंचा हाथ में लिए, ये वीडियो इनका वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करे, आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं ये दहशतगर्द। देखिए मामूली सी बात पर दो पक्षों के बीच मारपीट और उसके बाद ये वीडियो देखिए वायरल हो रहा है। जौनपुर के मुफ्तीगंज में CPDO ऑफिस में थप्पड़ कांड सामने आया। युवक ने महिला CPDO को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस के सामने महिला CPDO को थप्पड़ मारा, पुलिस ने भाग रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने के आरोप के दौरान विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला के ऊपर हाथ उठा दिया, पुलिस के सामने ही वो भी खाकी के सामने महिला CPDO को थप्पड़ मारा। हालांकि आरोपी जब भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। महिला CPDO पर हाथ उठाया एक युवक ने, दरअसल पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने देने के आरोप में यह विवाद हुआ था, और ये विवाद में देखिए किस तरीके से युवक इस महिला CPDO पर हाथ जड़ता नजर आ रहा है। उम्र दराज लग रही है महिला CPDO और उन पर देखिए किस तरीके से हाथ उठाया। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जावेद अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तो महिला है ऊपर से उम्र दराज नजर आ रही है, उन पर हाथ उठाया, क्या विवाद था, क्या कार्रवाई इस युवक पर हुई है? देखिए मामला पुष्टाहार से जुड़ा हुआ है, बाल पुष्टाहार से मामला जुड़ा हुआ है। जो आंगनबाड़ी होती है वो CDP कार्यालय से पुष्टाहार ले जाती है और वो अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटती है, तो विवाद यहीं से शुरू हुआ है। आंगनबाड़ियों का आरोप था कि CDPO बिना पैसा लिए आंगनबाड़ी को ये पुष्टाहार नहीं देती है। ये युवक है, ये आंगनबाड़ी का बेटा बताया जा रहा है। 14 पहले विवाद शुरू हुआ था जिसमें इसने कहा था कि CDPO पैसा लेके राशन देती हैं, पुष्टाहार देती हैं। जब सारे लोग वहां जुटे थे, मीडिया के लोग भी जुटे थे, उनसे बाइट चल रही थी, इसी दौरान जब CDPO ने आरोप लगाया कि इस युवक ने मुझसे बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, तो उस युवक ने दबंगई दिखाते हुए साफ कहा कि अभी ठीक है मैंने किए तो मैं एक बार और करता हूँ, और उन्होंने सीधे उस युवक ने उस CDPO को जो बुजुर्ग CDPO है उस पर थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस वहां मौजूद थी, जब आरोपी वहां से भागने लगा तो पुलिस उनको पकड़ करके थाने ले आई है। उस युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है मारपीट का, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का। पूजा जी धन्यवाद आपका जावेद जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए फिलहाल इस युवक पर मुकदमा दर्ज हो गया है, और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से ये युवक इस महिला पर हाथ उठाता है, थप्पड़ मारता है, और सरेआम पुलिस की मौजूदगी के बीच, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, कार्रवाई अब आगे होगी। लेकिन आप हिम्मत देखिए इस युवक की, मामला कितना भी बड़ा हो लेकिन ऐसे कैसे कोई व्यक्ति किसी महिला पर हाथ उठा सकता है, या विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ा पुलिस की मौजूदगी में, कई सवाल है।
बस्ती से सपा के जिला अध्यक्ष और सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए महेंद्रनाथ यादव की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट के बाद अब कभी भी उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिलहाल उनके दो सगे भाई जितेंद्र और अमरेंद्र सहित विधायक के ड्राइवर और तीन अन्य आरोपियों की बेल जज ने खारिज कर दी। फिलहाल सभी जेल में बंद है। आरोप है कि 23 अक्टूबर को कलवारी थाना क्षेत्र महुरैया गाँव के सपा विधायक और उनके भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर शख्स का अपहरण किया और इसकी शिकायत 17 मार्च को की गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ अपहरण सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। में न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध समन जारी हुआ था, उनके उपस्थित न आने पर पुनः माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू और बयासी सीआरपीसी का प्रोसेस जारी किया गया। आज अभियुक्त गण जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव, जयप्रकाश चौधरी, योगेंद्र यादव, विवेक शुक्ला और छोटू मिश्रा न्यायालय में इस क्रम में उपस्थित आए, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में अग्रिम तिथि तक जेल भेज दिया। अलीगढ़ में एक शिक्षक ने कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि नाबालिग बच्ची की उम्र 13 से 14 साल ही है। छुट्टी के बाद नाबालिग लड़की घर लौट के वापस नहीं आई। थाना गंगिरी मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लड़की को बरामद किया। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और जल्द ही कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई जारी है। थाना गंगिरी में सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष के आसपास थी, वो स्कूल गई थी और स्कूल के उपरांत घर लौट के वापस नहीं आई। सूचना मिलते ही थाना गंगिरी में अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था। क्राइम और थाने की सभी टीमों को एक्टिव किया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोषी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। लेह लद्दाख में आगरा के शिव कुमार शहीद हो गए हैं। मदनपुर खंदौली के रहने वाले थे शहीद शिव कुमार। आज शाम को 4 बजे तक पार्थिव शरीर आगरा के खंदौली पहुंचेगा और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेह लद्दाख में आगरा के शिव कुमार शहीद हो गए हैं। मदनपुर खंदौली के रहने वाले थे शिव कुमार। आज शाम को 4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर आगरा के खंदौली लाया जाएगा और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।